अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ लाइफ विद जबीन। तो जनाब, दिन का आगाज़ हो गया है और बस मैं यहाँ पे लगी हुई थी बच्चों का रूम सही करने, और ये सारा की कल वाली बुक्स ऐसी ही पड़ी हैं क्योंकि बैग आए थे लेकिन थोड़े लेट आए थे, तो मैं फिर उनको वॉश नहीं कर सकी थी। और मैंने सोचा था कि ये वीडियो आपके साथ डालूँगी, शेयर करूँगी, तो ताकि थोड़ी से आपको भी टिप्स मिल जाएं बैग्स वॉश करने के। और ये देखें जी, ये सारा का बैग है, ये जैनब का बैग है और रामीन का, और ये देखें जी, ये रामीन का बैग है। अभी सारा का तो खाली है बैग, और मैं अब कर रही हूँ यहाँ पे रामीन का बैग खाली, क्योंकि आज मैं करने लगी हूँ जी बैग्स वॉश, क्योंकि जस्ट 2 डेज़ रह गए हैं। यहाँ पर और यूनिफॉर्म तो मैंने कल सारे रेडी कर लिए थे, चेक कर लिए थे कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, मतलब कोई कलर वगैरह लगने वाला या जो भी। और यहाँ पे ये मैंने, ये जैनब का बैग है जी, तो ये ज़्यादा गंदा हुआ हुआ है भाई। असल में ना इसका कलर है बहुत लाइट, ठीक है, और वैसे भी जैनब छोटी है तो बच्चे इन चीज़ों का कहाँ ध्यान रखते हैं कि हमने मतलब चीज़ों को कैसे रखना है, अगर लाइट कलर वाली कोई चीज़ है उसको कैसे चीज़ों को संभालना है। तो जनाब ये उसका भी बैग खाली कर लेती हूँ, ये देखें। अब बच्चियाँ तो सो रही हैं और मैं चाह रही हूँ कि मैं इनको धोने का प्रोसेस स्टार्ट कर लूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैनब के साथ मेरी कमिटमेंट थी जी, कि उसने कहा था मामा आपके साथ मैंने बैग्स वॉश करवाने हैं, तो इसलिए अब समझ नहीं आ रही इसका वेट करूं ना करूं, ये ना हो के नाराज़ हो जाए अगर मैं ख़ुद से वॉश कर लूं, तो इसलिए अब उसका वेट करूंगी और आपके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करूंगी कि मैं कैसे बैग्स को वॉश करती हूं। अब देखें, जैनब उठ गई थी और ये देखें जी, जैनब मैडम यहाँ पर बैठ गई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके बगैर मैं ये बैग्स धो नहीं पा रही थी, ठीक है जी। जरा थोड़ी सी पीछे हो जाओ बेटा, स्पेस तो यहाँ बैठो। तो बस जनाब, अब हम बैग्स धोने लगे हैं और सबसे पहले इसको हम पानी से सब बैग्स को वेट करेंगे, ऊपर हम सर्फ डालेंगे, कोई सा भी डिटर्जेंट आप ले सकते हैं, ठीक है, और फिर ब्रश से उसको आप धोएं जैसे कि आप लोग धोते हैं। और ये जिस तरह भी आप देख रहे हैं इनको, ये भी आप देखें ये कैसी कंडीशन में है, और ये अब मैं आपको ना धोने के बाद बताती हूँ कि ये कैसे होंगे जी। यहाँ पर मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस और हम कर रहे हैं तैयारी बाहर जाने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा बच्चों से प्रॉमिस था कि 100 सब्सक्राइबर्स पर मैं इनको डिनर दूंगी। तो जनाब 100 सब्सक्राइबर्स मेरे हो गए हैं और अब हम कर रहे हैं यहाँ पे तैयारी। ये जनाब प्रेस हो रहा है रामीन का ड्रेस, और अब बारी बारी सबके ड्रेस मैंने प्रेस करने हैं, तैयार होंगे आपको दिखाएंगे, आपको लेके जाएंगे। तो जनाब हम लोग अब रेडी हैं और ये देखें जी, ये जैनब की फुल लुक देख लें आप, नाइस। और ये देखें जी, ये रामीन मैडम बैठी हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पर सारा अभी इधर ही कहीं गई थी, अभी पता नहीं किधर चली गई है, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं आपको भी अपना ड्रेस दिखा दूँ जनाब, कि आपने पहले भी देखा हुआ है, ठीक है जी। और बस माजिद रेडी हो रहे हैं और बस अब हम निकलेंगे और आप हमें देखते रहें जी। तो जनाब गाड़ी हमारी आ गई है और मैं अपने घर की कीज पकड़ लूं। आ जाओ सारा और अमीन,
चलो और अमीन दरवाजा बंद करके आना सारा। चलो दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। चलो चलें जी, अब हम लोग उठते हैं जनाब। ठीक है, और खोलो डैडी गाड़ी के खड़े हैं आप। कहाँ बाहर? हाँ ठीक है, आ जाओ आ जाएगा खुद ही। आओ तो जी जनाब, हम लोग यहाँ आ गए थे बाहर, और बस अब हम जा रहे थे जी रेस्टोरेंट के कोई, जहाँ से हम खाना खाएंगे। तो डिसाइडेड तो था कि कहाँ से खाना है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि सारा वहाँ से खाना नहीं चाह रही थी जहाँ से हम खाना चाह रहे थे। तो बस फिर हम उसको रेस्टोरेंट को भी ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं कि जहाँ पे जो समझ आएगी। और रास्ते में मैंने कहा आपको ये दिखाऊं कि हमारे एरिया में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है जनाब, यहाँ पे आई थिंक फ्लाईओवर बन रहा है और रश भी यहाँ पे काफ़ी था, और जिसकी वजह से ट्रैफिक बड़ी रुक रुक के चल रही थी। हाँ जी देखो यार, अब कुछ तो नहीं पता लगेगा। बेटा होता तो होगा ना खाना शाना सही वाला। ओहो नहीं, जहाँ से खा लिया ना वहाँ नहीं मिला जाए। शोबिस कैफे लिखा हुआ था यहाँ पे एक। कैफे क्या करना जाकर? कैफे कैफे हो गया। हाँ असल में कैफे में फिर वो मील नहीं मिलेगा ना जो हम चाह रहे हैं। हाँ कैफे हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर अभी तक कैफे में हम ब्राउनी खाएंगे। जी तो जनाब, हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट बच्चों को फैमिली को लेके, और बच्चे फंस गए मेरे। चलो निकलो इधर से, इधर आओ आप लोग आगे। चलो 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 हाँ जी। तो जनाब हम आ गए हैं कोर में, और यहाँ से हम खाएंगे खाना मज़ेदार किस्म का। चलें जी अंदर बैठते हैं। ये देखें जी, ये जो अब आपको टेबल नज़र आ रही है जहाँ बैठ रहे हैं, यहाँ लास्ट टाइम भी हम यहीं बैठे थे। सारा नहीं करो रामी, माँ जी देखें नहीं तो आप देखें ना क्या खाना पीना है। ठहर जाओ, एक डैडी को दो ना, डैडी देखते हैं। अच्छा आपने तो पहले स्टेक बोल दिया, ठीक हो गया? मशरूम सॉस विद मशरूम सॉस सर, आपको तो कोई नहीं, आपको तो है कबाब हो जाए, कढ़ाई फ्राई हो जाए। माँ जी देखे ना, ठीक है। अच्छा स्टेक कर दें मशरूम सॉस के साथ, ठीक है। सॉरी सूप फैमिली जी मशरूम सॉस के साथ, ठीक हो गया। अच्छा जी यहाँ पे आपने ये चाउमिन कर दें, चिकन चाउमिन। हाँ जी एक मिनट, हो गया। ये बादामी हांडी कर दें, ये बोनलेस होती है, ठीक है। ये बादामी हांडी कर दें, और चिकन सीख कबाब कर दें, और आप एक रोगनी नान, ये तंदूरी, आप दो रोगनी नान और दो तंदूरी खाते हैं। यहाँ पे जनाब ये देखें, इसको पेंटिंग से अच्छी लग रही है, अभी क्या मस्तियाँ कर रही है, और ये पेंटिंग देखने गई थी। ये देखें जी इसकी अपनी मॉडलिंग स्टार्ट हो गई, ये देखें दूसरी भी साथ। चलो जी आपने लहदा अपना ऑर्डर करना है, आप लहदा बैठी हैं उधर। ये डैडी को पता है किस तरह बनता है। और जी हमने ऑर्डर कर दिया अपना फूड, और देखिए जी यहाँ पे सूप की तैयारी हो रही है, और बस सभी आने वाला है। ये देखिए जी सूप के आगे थे दो बॉल, मैंने कहा मैंने तो एक ऑर्डर किया, दो कैसे आ गए हैं? वो माजिद कहता है कि बॉल दूसरे टाइप के हैं, ये हाफ हाफ आया हुआ है। देखें जी अभी हम यहाँ पे सूप डाल रहे हैं,
मेरी बेटी से सूप ही नहीं डाल रहा थी या वो चिकन निकालना होता है। ये वैसे वेजिटेरियन नहीं है मेरी बेटी, लेकिन ये जो है ये वैसे ही बस पास चीज़ों में ये चिकन नहीं पसंद करती। चलें जी अब हम सूप पीते हैं और हाँ बड़े मज़े का लग रहा है भाई। सारे सूप एक तरफ पर ये गोरमे का सूप एक तरफ। ये लो ये सोया सॉस है, आप बस ये सोया सॉस ही डालना, बाकी ना कुछ डालना, और एक स्पून डालना, ज़्यादा ना डालना। ये देखें ये अपना भी बॉल भी यहाँ पे रेडी कर रही है। ये देखें जी क्या मज़ेदार किस्म का सूप है, बहुत टेस्टी है। ये देखिए जी रामीन ने अपने लिए स्टेक ऑर्डर किया था, इसको गोरमे रेस्टोरेंट में जो सबसे फेवरेट इसकी डिश है ना वो स्टेक ही है, तो ये जब भी आती है ना ये स्टेक ही ऑर्डर करती है। ये देखिए इधर ज़बरदस्त सिज़लिंग किस्म का लग रहा है। जी तो जनाब फूड हमारा आ गया है और ये देखें जी यहाँ पे ये अब ज़्यादा क्या हुआ है दिखाओ, कहाँ गर्म है, चलो ये लो ये भी ले ले। ओके ये भी ले लें आप, ये बतामी हांडी और ग्रेवी ग्रेवी नहीं, एक थोड़ी सी ये ग्रेवी टेस्ट तो करो ना तुम पहले। ये देखो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट रेसिपीज ट्राई करनी चाहिए। और ये लो जी नान आ गया आपका। चलें जी जनाब हम भी अब खाना खाते हैं, ठीक हो गया, और आपको साथ साथ बताते हैं कैसे मैंने अपने लिए जी पराठा ऑर्डर किया। जी तो जनाब फूड हमने खा लिया है और यहाँ पे ये जो हमारा बच बचा गया है वो पैक होने जा रहा है। और ये देखें जी ये बच्चे हमारे इधर इधर फिर रहे हैं, पता नहीं किसी फैमिली के हैं और बड़े नॉटी नॉटी से हैं। और चलें जी फूड हमारा मील फिनिश हो गया, बड़ा मज़ा आया। और चलें जी अब हम ज़रा निकलते हैं घर की तरफ वापस। और ये देखें जी ये एक तरह मीन का जरिए थोड़ा सा मुँह बना हुआ है इसका, क्योंकि ये कह रही डिज़र्ट खाना है और जो डिज़र्ट हम चाह रहे हैं वो यहाँ मिल नहीं रहा। तो मैंने इसको कहा है कि भी आपको उस दिन स्वीटों की आइसक्रीम खिलाई है तो रहने दें, लेकिन ये सुन नहीं रही, नाराज़ हो गई है मेरी बेटी। चलें देखते हैं जी क्या करते हैं। जी तो जनाब हम लोगों ने डिनर कर लिया था और अब हम लोग जा रहे हैं घर। और ये देखें जी मज़ा आया, आपको अभी प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं दी। ये देखें जी शिकायतें चल रही हैं, बच्चे खा पी के भी खुश नहीं हैं क्योंकि सिर्फ आइसक्रीम नहीं मिली। अब हम लोग चलते हैं घर की तरफ, आपको थोड़ा बाहर का व्यू दिखा दूं। जी ये देखें बाहर तो खैर गर्मी है लेकिन अंदर सर्दी है। चलें जी घर चलते हैं जी अब। जी तो जनाब हम लोग घर आ गए हैं वापस और बस कुछ नहीं किया, खाना खा कर ही थक गए हैं। जैनब से इतना जाओगी कैसे बंदर बनी भी हो। चलें जी हम अपने व्लॉग को करते हैं इधर ही एंड, क्योंकि हमारी भी हो गई है एंड। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। क्या कहना है? मैंने कहना था बाय बाय, मेरे पास नहीं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। और चलें जी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। हाँ जी एक बात, तो मैंने अपना चैनल एक सब्सक्राइब करवाना था एक्चुअली, मेरा एक चैनल है तो आप प्लीज उसको बने हुए 2 साल हो गए फिर भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते यार। आई मीन ओके, तो ये मेरा चैनल है, ये जी सारा का चैनल है और इसे प्लीज इसको भी आप मोहब्बत खलूस दें जी। देखिए और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चलें जी व्यूअर्स ओके जी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।